कल का अगर आप देखें इन्फ्रंट कंप्यूटर सॉल्यूशन जो कल दिया गया था 10% के आसपास की तेजी शुरुआती कारोबार में देखने को मिली और 6% के आसपास की मजबूती लेके वो काउंटर बंद हुआ। आज का जो स्टॉक ऑफ द डे चुना गया है वो होटल स्पेस की कंपनी है वाइसराय होटल, जिसमें आज 60 रुपये 60 पैसे तक के जो टारगेट्स हैं वो ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकते हैं। ऐसा लेवल है जहाँ पर अपने जो मुनाफे हैं वो बुक कर सकते हैं, 15 रुपये 95 पैसे का आपको इसमें स्टॉप लॉस भी रखना होगा। पहले बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। शेयर अगर आप देखिए इसके जो वैल्यूएशन है वो बेहद आकर्षक है, इनफैक्ट अपना जो उच्चतम स्तर है वहाँ से करीब 40% के आसपास के डिस्काउंट पर काउंटर अवेलेबल है और राकेश झुंझुन वाला वो इस कंपनी में करीब 15% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। ये काउंटर अगर आप देखें अच्छे वैल्यूएशन इसलिए है क्योंकि अपनी जो बुक वैल्यू है उसके नीचे कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट बाकी अगर आप सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करें तो सबसे सस्ता शेयर आपको ही काउंटर नजर आएगा। बीते 4 साल में अगर आप देखें फंडामेंटल्स में लगातार सुधार हो रहा है, इस कंपनी का जो कर्ज है उसमें करीब 60% के आसपास की कमी आई। इनफैक्ट ना केवल इस कंपनी बल्कि जो पूरा सेक्टर है उसके फंडामेंटल्स में सुधार लगातार देखने को मिला है। एवरेज रूम रेट्स की बात करिए, ऑक्यूपेंसीज की बात कीजिए, उसमें हम देख रहे हैं कि इस साल की शुरुआत से लगातार जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है और जिस तरह से पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस काफी हाई है, उसका फायदा भी इस पूरे स्पेस को साफ तौर पे देखने को मिलेगा। एक इकरा की रिपोर्ट में पढ़ा था, इसमें मेंशन किया था कि FY17 में जो पूरा होटल सेक्टर है उसकी जो आय है उसमें करीब 9 से 10% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से देखा जाए सेक्टर के वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, फंडामेंटल्स में लगातार सुधार हो रहा है। इनफैक्ट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें रिफ्लेक्ट हो भी रहा था। Q3 में अगर आप देखें स्टैंड ऑन बेसिस पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आई, कुल आय में करीब 70% के आसपास की बढ़त आई थी, ब्याज लागत में कमी हो रही है, उसका फायदा इस कंपनी में देखने को मिल रहा था। करीब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था, उसके मुकाबले 0.77 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया था और कंसो बेसिस पे अगर आप देखें तो इनका जो घाटा है उसमें एक जोरदार कमी देखने को मिली थी। तो आने वाला समय जो है जिस तरह के फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट हो रही है काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल सकता है, जिसके बेसिस पे आज इस काउंटर को चुना गया है। 16 रुपए 60 पैसे का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं।